फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं 23 से 26 का द हिंदू एनालिसिस, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे प्लस एडिटोरियल्स जो थे हम डिस्कस करेंगे करके। जो मैं न्यूज़ आइटम बता रहा हूँ उसके बाहर अगर आपने वीडियो देख लिए हैं या आपने पेपर पढ़ लिए हैं तो आप ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको temsis.com पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं पीडीएफ वर्जन में, और मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी लिंक भेज दूंगा और आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम में और बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है। सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो है मध्य प्रदेश के सीएम जो है उन्होंने अनवील किया था आदि शंकराचार्य का स्टैचू ओमकारेश्वर में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। याद रखेगा 108 फीट टॉल ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य का, कहाँ पर है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ये स्टैचू डिपेक्ट करता है शंकराचार्य एज अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड व्हेन ही सेड टू हैव विजिटेड ओमकारेश्वर। 12 साल की उम्र में वो ओमकारेश्वर विजिट किए थे, उस समय का ये माना जा रहा है कि जो स्टैचू बनाया जा रहा है उसी को डिपिक्ट किया जाता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन्वेस्टेड लॉट टू डेवलप ओमकारेश्वर टाउन। आप सबको पता होगा इट इज़ लोकेटेड ऑन द मानधाता आइलैंड, कहाँ पे लोकेटेड है, मानधाता आइलैंड में, विच विल फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सर्किट ऑल्सो अलॉन्ग विद उज्जैन, महेश्वर एंड मांडू रिलीजियस टाउन्स। एंड इसके अलावा ओमकारेश्वर आपको पता होगा कि एक ज्योतिर्लिंग भी है ना, ज्योतिर्लिंग जैसे आपका केदारनाथ हो गया, आपके विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जी होंगे, सोमनाथ जी हो गए, त्र्यंबकेश्वर हो गया नासिक में, ठीक है ना, रामेश्वरम हो गए, इसके अलावा आपके जैसे घृष्णेश्वर हो गए, और इसके अलावा भीमा शंकर आपको पता होंगे। तो दीज आर ऑल द ज्योतिर्लिंगास, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम सबको पता है। उज्जैन के महाकाल आप सबको पता है, महाकाल सर्कल भी, सर्किट भी बनाया गया, महाकाल लोक बनाया गया रिसेंटली। तो मानधाता आइलैंड पे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, दो एक्चुअली दो का मिश्रण है यहाँ पे, दो ज्योतिर्लिंग मतलब गिनते एक ही है लेकिन इनको ओमकारेश्वर ममलेश्वर बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, मानधाता आइलैंड है। शंकराचार्य के बारे में आप सब जानते होंगे कि ही सेड टू हैव बिलीव्ड टू लिव्ड बिटवीन 788 to 820 AD, 788 से 820 AD के बीच में ये रहे। इनका जन्म केरला के कलाड़ी में हुआ है ना, याद रखिएगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पेरियार रिवर, पेरियार रिवर के तट पर है ये। एंड ही बिकेम अ सन्यासी एट अ वेरी यंग एज, एट वेरी अर्ली एज वेंट टू ओमकारेश्वर स्टडीड अंडर हिज गुरु गोविंद भगवत पद। याद रखिएगा ये पढ़े कहाँ थे, ये ओमकारेश्वर आके पढ़े, और यहाँ पर गोविंद भगवत पद नाम के गुरु इनके थे, गोविंद भगवत पद। These are the facts you can remember. अगर हम बात करें philosophy of आदि शंकराचार्य, तो he believed in the philosophy of non-dualism या फिर अद्वैत वेदांत जिसको कहा जाता है, तो non-dualism की philosophy या फिर अद्वैत वेदांत की philosophy बोलते हैं। And ये शंकराचार्य जी की जो main philosophy है, it revolves around the concept of ब्राह्मण। इनका main concept क्या है, ब्राह्मण, which is the ultimate reality और cosmic consciousness। Ultimate reality या फिर जो cosmic consciousness है वो उन्होंने ब्राह्मण को माना है, इसके अलावा वो किसी दूसरी चीज को सत्य नहीं मानते हैं, है ना, वो जगत मिथ्या बोलते हैं। एक उनका अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में जो फर्स्ट लाइन लिखते हैं तो वो कहते हैं केवल ब्राह्मण सत्य है, जगत मिथ्या है, वर्ल्ड इज इल्यूजनरी, है ना, केवल ब्राह्मण ही जो है वो सत्य है, ठीक है ना। एंड जो आइडेंटिफाई भी करते हैं तो खुद को ब्राह्मण के साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज द वर्ल्ड इज इल्यूजन और माया, उनके अकॉर्डिंग द वर्ल्ड इज इल्यूजन या फिर माया। तो आप याद रखिएगा अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के बारे में भी। एंड ही हैज रिटन वेरी वेरी प्रोफाउंडली ऑन वेरियस हिंदू स्क्रिप्चर्स, जैसे कि वेदास, उपनिषद्स के बारे में, भगवद्गीता के बारे में काफ़ी लिखा है, इनकी कमेंट्रीज काफ़ी आपको मिल जाएंगे, ऑल आर देयर, है ना। और फेमस वर्क जो इनके जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य के अलावा विवेक चूड़ामणि, याद रखिएगा विवेक चूड़ामणि एंड आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र भाष्य और विवेक चूड़ामणि, दीज आर सम ऑफ हिज प्रोफाउंड वर्क्स जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होगा कि इनके मठ भी हैं, मठ का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था, है ना, स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं कांचीपुरम तमिलनाडु से लेकर के कामरूप असम तक है, कश्मीर तक है, केदारनाथ बद्री धाम तक है, श्रृंगेरी उज्जैन काशी पुरी जोशी मठ, ये सब अलग अलग मठाज हैं। मानधाता आइलैंड आपको पता होगा कि एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन मानी जाती है, मानधाता आइलैंड सिचुएटेड है नर्मदा रिवर में, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंगास हैं आउट ऑफ द 12 जो मैंने आपको बताया, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, है ना, तो याद रखिएगा ओमकारेश्वर ममलेश्वर, और ये बिल्कुल करीब है आपको, उज्जैन भी आपको पास में मिल जाएगा, महाकालेश्वर है ही वहाँ पे ज्योतिर्लिंग, है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं, दूसरी जो न्यूज़ है वो है इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बिगिंस इन गोवा। तो इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है वो गोवा में स्टार्ट हुआ, पीआईबी की ये न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल फ्रॉम फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस इन पंजिम। ये फोर्ट याद रखिएगा, फोर्ट अगुआडा, इट इज़ अ लाइट हाउस इन पंजिम गोवा, ठीक है ना। लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस एक टावर होता है, एक बिल्डिंग हो सकती है या फिर दूसरे टाइप का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है विच इज डिजाइन टू एमिट लाइट फ्रॉम सिस्टम ऑफ लैम्प्स एंड लेंसेज एंड टू सर्व एज अ बीकन फॉर नेविगेशनल एड। तो आपने देखा होगा कई बार समुद्र तट पे बहुत बड़ा सा एक लैम्प पोस्ट टाइप का रहता है, खूब बड़ा सा उसमें रहता है और उससे लाइट पर्टिकुलरली निकलती रहती है खूब सारी, क्योंकि ये मैरीटाइम का जो नेविगेशन होता है उसमें एड या मदद करता है, ठीक है ना। नेविगेशन मैरीटाइम के अलावा इनलैंड वाटरवेज में भी करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल अगर हम बोलें तो फोर्ट अगुआडा गोवा में ये सेलिब्रेट हो रहा है एंड इट वुड बी अ 3-day इवेंट इन कार्निवल स्टाइल विद लोकल आर्टिस्ट, डांस ट्रूप्स, फूड एंड क्यूलिनरी स्टॉल्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं रिगार्डिंग दिस लाइट हाउस फेस्टिवल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म कैंपेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज जो है वो प्लान कर रहा है कि लाइट हाउस को डेवलप किया जाए इनटू द टूरिस्ट हब्स एंड लाइट हाउस टूरिज्म हेरिटेज कैंपेन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। इट विल बी टेकन इन पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लिया जाएगा। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओल्ड लाइट हाउसेज जो रहेंगे उनको एक नई लाइफ इससे मिलेगी एंड लगभग 75 लाइट हाउसेज अक्रॉस द कंट्री विल बी डेवलप्ड इनटू टूरिस्ट हब। ये आज़ादी का 75वां जो साल है उसके उपलक्ष में भी ये कह सकते हैं। आगे देख लें, इंडियन नेवल शिप शहयाद्री पार्टिसिपेट्स इन मेड इन इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया अब एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें इंडिया का शिप सहयाद्री पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडियन नेवी इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप INS सहयाद्री हैज पार्टिसिपेटेड इन द मेड इन ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो कि है हमारे इंडिया की, इंडोनेशिया की और ऑस्ट्रेलिया की। ऑब्वियसली बात है इसका कोई अभी खास नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो भी है याद रखिएगा कि इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं। INS सहयाद्री जो है वो प्रोजेक्ट 17 के अंदर जो हम मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट्स बना रहे हैं, याद रखिएगा मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट वो है INS सहयाद्री। इट इज़ द थर्ड शिप ऑफ द इंडिजिनस डिजाइंड एंड बिल्ट प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट। कहाँ कौन बनाया है इसको, मजगांव डॉक लिमिटेड यहाँ मुंबई, हालांकि गोवा आई थिंक होगा, मजगांव डॉक लिमिटेड देख लेना एक बार। अदर एक्सरसाइजेस की हम बात करें इंडिया और इंडोनेशिया की, तो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति आपको पता होगी, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। इसके अलावा आपको पता होगा गरुण शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। अच्छा आप बताना इंडिया और गरुण, इंडिया और किस कंट्री के बीच में गरुण केवल होती है, गरुण शक्ति तो ये हो गया। फिर इंडिया इंडो कॉर्पेट भी एक एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ऑस्ट्रा हिंद होती है, पिच ब्लैक काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, ऑजिंडेक्स होती है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है ओसाइरस रेक्स के बारे में, ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर मिशन। तो ये है ओसाइरस रेक्स के बारे में, एक्चुअली नासा का है ये मिशन ओसाइरस रेक्स। ये एस्टेरॉयड को स्टडी कर रहा था, कौन सा एस्टेरॉयड था, बेन्नू एस्टेरॉयड याद रखिएगा। एंड ओसाइरस रेक्स मिशन इज सेट टू ड्रॉप अ कैप्सूल विच कंटेन्स सैम्पल्स फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेन्नू टू अर्थ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ओसाइरस रेक्स मिशन जो रहेगा इट विल ड्रॉप अ कैप्सूल विच विल कंटेन सैम्पल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड बेन्नू टू द अर्थ एंड इट इज अ स्पेसक्राफ्ट दैट ट्रेवल्ड टू द एस्टेरॉयड नेम्ड बेन्नू एंड इट कलेक्टेड अ सैम्पल ऑफ रॉक्स एंड डस्ट फ्रॉम द सर्फेस एज वेल। ये पहला US का मिशन है टू कलेक्ट सैम्पल फ्रॉम एन एस्टेरॉयड जिसका नाम एस्टेरॉयड बेन्नू मैंने आपको बताया था एंड स्पेसक्राफ्ट इज on its way back to the earth to deliver the sample and when it arrives the spacecraft will release the capsule containing pieces of Bennu over earth's atmosphere. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एस्ट्रॉइड बेन्नू की अगर हम बात करें तो बेन्नू इज अ इजिप्शियन डीटी, इजिप्शियन डीटी के ऊपर ये नाम है। लगभग 200 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ डिस्कवर्ड बाय नासा फंडेड लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम। 1999 में लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम है नासा के द्वारा फंड की गई, उसने सो खोजा था। इट्स अ बी टाइप एस्ट्रॉइड इंप्लाइंग दैट इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन एंड वेरियस अदर मिनरल्स। तो बी टाइप एस्ट्रॉइड है जहां पे काफी ज्यादा कार्बन मिलता है।
व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? तो यूरोपियन यूनियन ने फाइनलाइज किया एक नया ड्राफ्ट रूल बैनिंग एडवर्टाइजमेंट्स दैट मिसलीड कस्टमर्स विद फॉल्स सस्टेनेबिलिटी प्रॉमिसेस। तो यूरोपियन यूनियन ने एक ड्राफ्ट लॉ फॉर्म किया है। यूरोपियन यूनियन देखो बहुत आगे इन सब मैटर्स में, हम इसीलिए कई बार कई चीज़ों में यूरोपियन यूनियन का वेट करते हैं कि कोई लॉ निकाल दे, जैसे चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो चाहे बिटकॉइन हो, सब में हम उन्हीं का वेट करते हैं। GDPR जैसे हमने देखा था, जो आपका GDPR रूल्स हैं, जो भारत स्टेज नॉर्म्स हम लेकर के आए वो भी हमने वहीं से कॉपी किया है ना, जो यूरो स्टैंडर्ड्स थे वहाँ से हमने भारत स्टेज लिए, बेजल नॉर्म्स आए उसके बाद हमने बैंकिंग के बेजल रिफॉर्म्स किए, तो कई बार जगहों पर हम डिपेंडेंट भी है। EU ने फाइनलाइज किया है नया ड्राफ्ट रूल जो कि बैन करता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को जो मिसलीड करते हैं कस्टमर्स को विद फॉल्स सस्टेनेबिलिटी प्रोमिसेस, झूठी सस्टेनेबिलिटी की प्रोमिसेस जो देते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, आप सबको पता होगा ना, ऐसी कंपनीज जो कि हालांकि वो क्लाइमेट फ्रेंडली होती नहीं है बट इस तरीके से मिसलीड करती हैं, इस तरीके से क्लेम करती हैं कि वो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि दूध से धुली हुई हैं और उनसे कोई क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो कौन सी मेथडोलॉजी करते हैं, ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, इसको ग्रीन शीन भी कहा जाता है, याद रखिए ग्रीन वॉशिंग ग्रीन शीन भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो कैपिटलिस्टिक मॉडल में आगे बढ़ते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को ये पकड़ते हैं जो कि इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये खुद को क्लेम करते हैं कि हम इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन ये ड्यूबियस क्लेम होता है, ये झूठा क्लेम होता है, इसलिए ग्रीन शीन कहा जाता है इसे। एंड याद रखिएगा नेट जीरो टारगेट्स को दूर ही करेगा ग्रीन शीन, कोई ग्रीन वॉशिंग को करीब नहीं लाएगा। एंड डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादातर कहा जाता है कि वो ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं क्योंकि अपने ऑब्वियस बात है अपने बिजनेस को उनको प्रॉफिट दिलाना है, तो कई बार बोल देते कह रहे बिल्कुल ये इको फ्रेंडली हमने दिए बना दिए, हमने इको फ्रेंडली पटाखे बना दिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जैसे फोक्सवैगन का आता है, फोक्सवैगन वैगन के बारे में एक स्कैंडल चला था कि जर्मन कार कंपनी थी जिसने कि चीट किया था एमिशन टेस्टिंग के केस में, डीजल व्हीकल्स में, ग्रीन डीजल व्हीकल्स के नाम पे उसने उसमें चीटिंग की और बताया नहीं कि कितना क्या एमिशन होता है, तो फोक्सवैगन जो है एक तरीके से ग्रीन वॉशिंग कर रही थी, है ना। तो ऐसी चीज़ें कई जगह हो जाती हैं। अगला टॉपिक है फाइव आईज अलायंस। फाइव आईज अलायंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ दिस फाइव आईज अलायंस। तो फाइव आईज अलायंस जैसा कि नेम बता रहा है, सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स का, जिसका नाम है और जिसमें पांच कंट्रीज आती हैं। अब वो पांच कंट्रीज कौन सी हैं फाइव आईज में, तो पहली आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, दिस इज लेट मी शो यू अगेन, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यस ये आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड वन इज कैनेडा, थर्ड इज़ न्यूजीलैंड, फोर्थ इज़ यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ इज़ US, ठीक है ना। तो कौन कौन सी पांच कंट्रीज़ हैं फाइव आईज अलायंस के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK एंड USA। 1946 इसकी वर्किंग शुरू हुई व्हेन द US एंड UK अग्रीड टू एन ओपन एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस, तो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का कम्युनिकेशन का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया फाइव आईज अलायंस, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए है बेसिकली। पांच कंट्रीज फिर से मैं नाम बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखेगा, ठीक है। एंड कनाडा ने ज्वाइन किया था अलायंस को 1948 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने 1956 में ज्वाइन किया, तो 1946 में दो कंट्रीज थी USA एंड UK, 1948 में इसमें कनाडा जुड़ गया और 1956 में फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जुड़ गया, ठीक है ना। एंड ये वो कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स, कोल्ड वॉर के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए ये अलायंस बनाया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक आर्टिकल आया था कल की रीजंस फॉर राइज इन ग्लोबल डेट, क्या रीजंस है राइज इन ग्लोबल डेट के, तो ऑब्वियसली बात है जो राइज इन ग्लोबल डेट है उसका रीजन है गवर्नमेंट बोरोइंग। हमेशा डेट कब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट की बोरोइंग क्यों बढ़ सकती है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर करेंसी डिवेल्यूएशन हो रहा है, आपकी करेंसी फेल होती जा रही है, तो धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इंपोर्ट करने में, ठीक है ना। सेकेंड रीजन है कि इफ़ योर इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, है ना। ऑब्वियसली बात है जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू हायर डेट। एंड एक रीज़न ये होता है कि जैसे इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, मतलब कि अगर आपका रेवेन्यू और आपका अगर एक्सपेंडिचर इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, देन दैट ऑल्सो कैन राइज टू इन दैट कैन ऑल्सो लीड टू राइज इन द डेट बिकॉज योर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट प्रॉपरली मैप्ड और प्लान्ड, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है व्हेन द टैक्स इवेजन इज हैपनिंग, एक चौथा रीज़न ये होता है, क्या होता है टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन
बहुत ऑब्वियस रहता है, आपका टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। इफ योर टैक्स कलेक्शन विल डिक्रीज देन योर रेवेन्यू विल डिक्रीज, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इंक्रीज बोरोइंग, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी देयर। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आर ऑल्सो अ रीजन फॉर दैट, है ना। कई बार जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज करता है, बहुत ज्यादा नई नई कंपनीज नए नए वेंचर्स में इंटर करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली बात है इट विल प्रोडोमिनेंटली लीड टू हायर बोरोइंग्स। एक और रीजन इसमें होता है जब प्राइवेट फंडिंग नहीं हो पाती, इफ द प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ योर कंट्री आर नॉट फंडिंग एंड इवन द बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली हैव टू आस्क फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। गवर्नमेंट को खुद बहुत सारा पैसा मांगना पड़ेगा, तो दैट इज अगेन अ रीजन। अगला, ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स अंडरमाइन द प्री ग्रांट अपोजिशन। नाउ दिस इज अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड नाउ, नॉट पर से ये जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स लाए गए हैं 2023 के। इसमें प्री ग्रांट जो अपोजिशन प्रोविजन था उसमें थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। अब ये प्री ग्रांट अपोजिशन प्रोविजन क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली पेटेंट लॉ अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति को, इट अलाउज एनी वन टू फाइल ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट पेटेंट ग्रांट्स बिफोर दे आर फाइनलाइज्ड। मतलब कि अगर पेटेंट ग्रांट फाइनलाइज नहीं हुए हैं उसके भी पहले आप उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ठीक है ना। इट अलाउज एनी वन टू फाइल ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट पेटेंट ग्रांट्स बिफोर दे आर फाइनलाइज्ड, ठीक है। अब जो रिसेंट जो डेटा पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स हुए हैं 2023 के, इट एम्स टू अल्टर दिस प्रोसेस फॉर द प्री ग्रांट अपोजिशन। तो ये इसको थोड़ा चेंज करने की बात की जा रही है। अब क्या चेंजेस हैं, तो द फर्स्ट इज दैट ड्राफ्ट रूल इंट्रोड्यूसेस वेरिएबल फीस फॉर अपोजिशन। तो अगर आपको अपोजिशन करना है किसी पेटेंट ग्रांट का, इट विल रिक्वायर अ वेरिएबल फीस। ग्रांट कंट्रोलर गेन्स द पावर टू डिसाइड द अपोजिशन मेंटेनेबिलिटी। अपोजिशन की मेंटेनेबिलिटी का जो पावर है वो ग्रांट कंट्रोलर को दे दिया गया है। इसके अलावा वीकेंड जो सब सेफगार्ड्स अगेंस्ट पेटेंट एवरग्रीनिंग, जो पेटेंट एवरग्रीनिंग होती थी बार बार पहले, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड्स नहीं रखे गए हैं। देन गाइडलाइंस में काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, है ना। इसके अलावा प्रपोज्ड फीस पोजेस फाइनेंशियल चैलेंजेस। ऑब्वियसली आते हैं जब फीस आप लगाएंगे तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आएंगे। तो ये जो है वो इशूज़ हैं नए पेटेंट रूल्स के रिगार्डिंग। एवरग्रीनिंग, आप सबको पता होगा कि बार बार जैसे किसी पेटेंट को रिवाइव कराना, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक दवाई बनाई, ऐसे दवाई बनाई जिसमें 1 ग्राम अरहर की सब्जी अरहर की दाल डाली, 1 ग्राम मूंग की दाल डाली, 1 ग्राम यहाँ पे चने की दाल डाली, ये सब मैंने अब इसका पेटेंट ले लिया, ठीक है ना। अब अगली बार मैं क्या करूँगा, जैसे 5 साल के लिए था, 5 साल बाद मैं क्या करूँगा, अब 1.5 ग्राम अरहर कर दूँगा, ठीक है, 1.5 ग्राम ये कर दूंगा आपका मूंग की दाल कर दूंगा, और 1.5 ग्राम चना दाल कर दूंगा, प्लस क्या बोलूंगा कि 2 दाने इसमें उड़द की दाल के भी लगेंगे। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मुझे पता है कि उड़द की दाल डालने से इस फॉर्मूले में कोई चीज़ कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं होगा, केवल 2 दाने से, तो मैंने वो जोड़ दिया। अब मैंने क्या बोला कि अब उसे नया पेटेंट चाहिए इसका, क्योंकि मैंने नया प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली आता कंपोजिशन चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से एवरग्रीनिंग की जाती है कि मतलब पेटेंट पाने के लिए बार बार पेटेंट अप्लाई किया जाता है और उसमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं किए जाते ओरिजिनल कंपोजिशन पे ही। तो दैट इज द एवरग्रीनिंग। तो वही इसमें लिखा है कि एवरग्रीनिंग को नहीं रोक पाएंगे जो नए रूल्स हैं। प्री ग्रांट अपोजिशन जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है पेटेंट एक्ट के अंतर्गत, है ना। और सेक्शन 25(1) जो है पेटेंट एक्ट का, इंडिया पेटेंट एक्ट का, वो अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति को टू फाइल अ प्री ग्रांट अपोजिशन अगेंस्ट अ पेटेंट एप्लीकेशन बिफोर इट इज़ ग्रांटेड। मतलब पेटेंट ग्रांट होने से पहले भी आप उसको अपोज कर सकते थे, ये था प्रोविजन, है ना। और ऑब्वियसली बात है जैसे जेनरिक ड्रग्स के केसेस में काफ़ी वाइटल हो जाता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट as well। इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 का पेटेंट एक्ट है एंड इट इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द पेटेंट्स इन इंडिया, याद रखिएगा। एंड पेटेंट मिलने के लिए आपको न्यू एंड नॉन ऑब्वियस आइडियाज चाहिए, नए और नॉन ऑब्वियस आइडियाज को ही पेटेंट दिया जाता है। एंड इट मस्ट बी यूजेबल इन द इंडस्ट्री, जो इन्वेंशन है वो यूजेबल होना चाहिए इंडस्ट्री में, है ना। एंड एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। पेटेंट जो है लास्ट करता है कम से कम 20 साल का फ्रॉम द फाइलिंग डेट, नॉट कम से कम बट लास्ट फॉर 20 इयर्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। एंड थर्ड पार्टीज कैन अपोज अ पेटेंट विद इन अ सेट टाइम फ्रेम, सेट टाइम फ्रेम के अंदर पेटेंट को अपोज भी किया जा सकता है। एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग आपको पता होगा, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में पेटेंटेड इन्वेंशन का यूज़ भी किया जाने लगता है। जैसे गवर्नमेंट कई बार बोलती है भाई कैंसर को ठीक करना अगर आपको, तो कोई दवा
दवाई अगर मान लो एक्स वाई जेड करके है तो उसका आप बना लो जेनरिक, तो कई बार बिना पेटेंट मिले ही आप यूज़ करने लगते हो उस प्रोडक्ट को जो किसी और ने बनाया है, बट वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर ही किया जाता है, ठीक है ना। पेटेंट होता क्या है, तो पेटेंट एक गवर्नमेंट इशूड एक्सक्लूसिव राइट है जो कि जो इन्वेस्टर या असाइनी को ये अथॉरिटी देता है कि वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको बना सकता है, उसको बेच सकता है और अपने लाइसेंस को बेसिकली एक लिमिटेड पीरियड तक लिए लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मैंने आपको बताया था पेटेंट एवरग्रीनिंग कैसे की जाती है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग पेटेंट में और बोला जाता है कि भैया अब इसको फिर से पेटेंट दो, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो रिसेंटली द तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहर एट 25 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नीलगिरी तहर को बचाने के लिए तमिलनाडु ने किया था स्टार्ट एक प्रोजेक्ट। और अभी एक और न्यूज़ ये आई है कि जो आपका केरला है उसके साथ तमिलनाडु मिलकर नीलगिरी के तहर के नंबर्स जो है वो काउंट करेंगे। तो नीलगिरी तहर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली नीलगिरी तहर है क्या, इट इज द ओनली कैप्रीने स्पीशीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ द सदर्न इंडिया। याद रखिएगा इट इज द ओनली कैप्रीने स्पीशीज। तो कैप्रीने एक्चुअली में एक सब फैमिली होती है, गोट की ही, एंटीलोप्स की ही सब फैमिली होती है जो रुमिनेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैप्रीने अगर आपसे कोई पूछे तो कैप्रीने इज बेसिकली द गोट फैमिली, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मतलब उसी से बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन दैट। इसके अलावा जो हैबिटेट है ये एंडेमिक होते हैं वेस्टर्न घाट के, एंड बहुत सारा एरिया कवर करते हैं केरला का, तमिलनाडु का, है ना। कंजर्वेशन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के शेड्यूल 1 में ये लाई करते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, कल ये न्यूज़ आई थी, बेसिकली जो न्यूज़ थी तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हिंदू में ये न्यूज़ थी कि तमिलनाडु और केरला जो है दे में जॉइन हैंड्स फॉर काउंटिंग द इंडेंजर्ड नीलगिरी तहर। अब लगभग 3100 नीलगिरी तहर हैं जो कि वेस्टर्न घाट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और एक सिंक्रोनाइज्ड सर्वे किया जाएगा। एक और चीज़ बता दूँ, तमिलनाडु ने ही लॉन्च किया था प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। अगर आपसे कोई पूछे कि किसने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्टेट एनिमल, वहाँ का स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का नीलगिरी तहर, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और पहली बार ऐसा होगा, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये सिंक्रोनाइज सर्वे या सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो है नीलगिरी तहर के लिए वो किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रही होगी कि नीलगिरी तहर जो है वो प्रेफर करते हैं माउंटेन ग्रासलैंड्स, मतलब थोड़ा माउंटेन एरिया को प्रेफर करते हैं और वहाँ पे स्टीप एंड रॉकी टेरेन्स उनको प्रेफर करते हैं। एल्टीट्यूड 300 से 2600 मीटर्स अबव द सी लेवल को प्रेफर करते हैं, है ना। एंड काफ़ी फ्रेगमेंटेड है हालांकि इनका एरिया जो है वेस्टर्न घाट का भी, लेकिन अब इनको काउंट करना तो ज़रूरी है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एक और न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट, देखो लिखा है काउबल गली द मस्कोह वैली बैटल फील्ड ऑफ कारगिल वॉर ओपन अप फॉर द टूरिस्ट। तो यहाँ पे काउबल गली याद रखेगा और मस्कोह वैली याद रखेगा, ये अभी ओपन की गई है टूरिस्ट के लिए दोबारा। हालांकि मस्कोह वैली जो थी यहाँ पे काफ़ी गन फायरिंग हुई थी 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ था, एंड उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, लोगों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंट शेलिंग की जाती है पाकिस्तान के एंड से, काफ़ी शेलिंग की जाती थी, ठीक है ना। याद रखिएगा इट इज़ द हाई एल्टीट्यूड पास ऑफ द गुरेज वैली इन द नॉर्थ कश्मीर। यहाँ पे दो तीन वैलीज़ के नाम ज़रूर याद रखिएगा, एक तो आपको गुरेज वैली का याद रखना है नाम, है ना, देन तुलैल वैली याद रखना है, तुलैल वैली, ये तीनों याद रखिएगा, गुरेज वैली, देन यहाँ पे याद रखिएगा दिस तुलैल वैली, सेकेंड इज़ तुलैल वैली, एंड थर्ड नेम इज़ मस्कोह वैली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मस्कोह वैली भी याद रखिएगा, एंड ये कनेक्ट होती है मस्कोह वैली से जो कारगिल के द्रास सेक्टर में आती है, ठीक है ना। एंड दोनों को कनेक्ट कौन करता है, बेसिकली ये काउबल गली, काउबल गली जो है ये हाईएस्ट पास है जो कि यहाँ पे ऊपर, ये कनेक्ट करता है दोनों पास, दोनों गली, दोनों वैलीज़ को, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये तीनों नाम याद रखना, एक तो गुरेज वैली, दूसरा मस्कोह वैली, इनको कनेक्ट करता है कौन, काउबल गली। वो बंद कर दी गई थी क्यों, क्योंकि 1999
1899 में जब वॉर हुआ था, यहाँ पे गन फायर हुआ था, शीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेलिंग होती रहती थी। अभी 43 महीने से सीज फायर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का सक्सेसफुली, तो इस कारण से दोबारा इसको ओपन किया गया है। ये माना गया है कि अब यहाँ पे पीस थोड़ा रहेगा तो इसको टूरिज्म के लिए थोड़ा स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, आई होप यू रिमेंबर दैट। इसके अलावा यहाँ पर एक याक पाई जाती है, याक आप सबको पता है एक एनिमल होता है, जुम्बा याक याद रखिएगा, दे आर स्मॉलर देन अदर याक्स, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है जुम्बा याक। अगर आपसे कोई पूछे कौन सी जुम्बा याक क्या है या जुम्बा क्या है, तो जुम्बा इज अ याक, है ना, तो याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब मुझे एक मैप दिखा लें दो आपको, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पूरा जो है ये एरिया जो है वो ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टाइगर हिल है ना वो मशकोह वैली का ही पार्ट है, टाइगर हिल इज़ ऑल्सो इन द मशकोह वैली, देखा ये देखो मशकोह लिखा ना, दिस इज़ मशकोह, ये देखो ये मशकोह है और ये टाइगर हिल है, देखो है ना, लेट मी जूम इट आउट अ बिट, ये देखो ये आपका मशकोह दिख रहा होगा आपको, ये मशकोह है, ये टाइगर हिल है यहीं पे, है ना, एंड ये आपका कारगिल है, ये आपका द्रास है, यहाँ पे आपका जुजिला है ना, ये पूरा पार्ट जो है अमरनाथ केव के ऊपर वाला पार्ट लाई करता है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, पूरा सारी चीज़ें दिख रही होंगी ना, और ये बहुत क्लोज है टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ लाइक दिस एंड इसके पूरे बहुत क्लोज है ये, है ना, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये मैप आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूज़ में, हाई एल्टीट्यूड पास ऑफ द गुरेज वैली इन द नॉर्थ कश्मीर ऑल सेट टू कनेक्ट विद द मशकोह वैली इन कारगिल द्रास सेक्टर द साइट ऑफ वॉर इन 1999, जो मैंने आपको पढ़ाया हिंदू का वही था। गुरेज वैली कश्मीर वैली में लोकेटेड है, द वैली लाइज नियर क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट विच सेपरेटर्स फ्रॉम अस्तोर एंड नीलम, तो ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया और दिखा दिया, ठीक है। गुरेज वैली में कौन सी नदी उसको डिमार्केट करती है अलग अलग जगहों पे, तो याद रखें किशन गंगा नदी है, किशन गंगा नदी है जो कि गुरेज वैली को अलग अलग पॉइंट्स पे सेवरल पार्ट्स में डिमार्केट करती है, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है जो कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्कारबोरो शोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एक्चुअली स्कारबोरो शोल एक आइलैंड है ना, और वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया था चाइनीज़ ने, ठीक है ना, याद रखिएगा स्कारबोरो शोल एक नाम एक आइलैंड है जहाँ पर बैरियर लगा दिया था चाइनीज़ ने। अब दिक्कत क्या है कि स्कारबोरो शोल आता है फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में, बट चाइना आप सबको पता है कि साउथ चाइना सी के बहुत सारे आइलैंड्स हैं और साउथ चाइना सी को ही पूरा क्लेम करता है वो, ठीक है ना, तो स्प्रेटले आइलैंड हो गया आपका, स्कारबोरो शोल हो गया, है ना, पैरासेल आइलैंड हो गया, इन सबको क्लेम करता है चाइना। अब स्कारबोरो शोल में उन्होंने बैरियर लगा दिया और फिलीपींस ने क्या किया कि वो बैरियर रिमूव कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये, तो ये न्यूज़ थी स्कारबोरो शोल की, और स्कारबोरो शोल इज़ द लार्जेस्ट अटोल इन द साउथ चाइना सी, सबसे बड़ा अटोल है साउथ चाइना सी का अटोल, आपको पता होगा कि रिंग शेप्ड कोरल रीफ होता है, आइलैंड होता है ना, एंड वो सराउंड करता है बॉडी ऑफ वाटर को, ठीक है ना। इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो सिचुएटेड 120 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द फिलीपींस आइलैंड ऑफ ल्यूजोन, और स्टैंड ऑफ वही है कि शोल जो है वो लोकेटेड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस में, और यही रीज़न है कि फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, तो फिर चाइना इसको क्लेम कैसे कर देता है। तो आप सबको पता होगा कि भैया जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है वो उसके उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, तो वाई चाइनीज़ आर कैप्चरिंग ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, चाइनीज़ ने इसको कैप्चर कर दिया था 2012 में, है ना, एंड वहाँ पे फिर वो फोर्स करते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है जो फिलिपिनो फिशरमैन है, ऑब्वियसली जो फिलीपींस के फिशरमैन है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको। यहाँ पे लोकेशन देख लो आप लोग, यहाँ पे फिलीपींस है, देखो फिलीपींस ये है मनीला फिलीपींस वाला पार्ट, उसका स्कारबोरो शोल यहाँ पर है, स्कारबोरो शोल इज लोकेटेड हेयर, और इस उसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था, देखो कौन कौन सा आइलैंड, यहाँ पैरासेल आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ये स्प्रेटले आइलैंड है, यहाँ पे भी चाइना ने बहुत ज़्यादा मचा रखा है ना, और ये पूरा साउथ चाइना सी है, तो स्कारबोरो शोल जो है वो इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है फिलीपींस के, या उस कहना चाहिए। रिसेंटली अगर क्या बताऊँ क्या क्या हुआ, तो 2016 में आर्बिट्रेशन डिसीजन आया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जिसने कि कहा था कि फिलीपींस के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, लेकिन चाइना ने आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और चाइना उस आर्बिट्रेशन के आंसर उसको भी डिफाई करता है, मानता नहीं है ना, बोलता कि मैं नहीं मानता, ठीक है ना।
ऑब्वियसली बात है, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्रीन हाइड्रोजन बस के रिगार्डिंग। तो यूनियन मिनिस्टर ने हमारे इंडिया में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस स्टार्ट की है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ स्टार्ट हुई है? न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है। ये वर्ल्ड की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, याद रखिएगा, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, याद रखिएगा। इस पे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। तो फ्लेक्स फ्यूल का मतलब होता है बेसिकली जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पे चले, और इलेक्ट्रिफाइड मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में भी काम करता है वो, प्लस उसमें कंबशन इंजन भी होता है जहाँ पे आप इथेनॉल या मीथेनॉल का मिक्सचर लगा करके पेट्रोल डीजल के साथ उसको मतलब चला सकते हो। तो फ्लेक्स फ्यूल में बेसिकली एक से ज़्यादा फ्यूल भी रहता है, वहाँ पे आप नॉर्मल फ्यूल के साथ इथेनॉल या मीथेनॉल को कंबाइन कर लेते हो, उसके बाद उसको यूज़ करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा वो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिफाइड तो है ही, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है। उसको अनवील किया है इंडियन ऑयल ने। फ्यूल सेल यूटिलाइजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द बस, एंड ओनली बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द बस इज द वाटर, ठीक है ना। तो फ्यूल सेल जो है इसमें फ्लेक्सी फ्यूल सेल हमने बोला ना, फ्यूल सेल क्या करता है, यूटिलाइज करता है हाइड्रोजन एंड एयर को, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है विच विल पावर द बस, एंड इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो केवल वाटर है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एडवांटेजेस क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है, इसमें जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोड हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, है ना, हार्मफुल एमिशन भी नहीं है, और हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी क्लीन फ्यूल है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया ने आपको पता ही है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया है टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। और 2030 तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया करना चाहता है, जैसे कि वो चाहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की वो 5 MMT पर NM पहुँच जाए, है ना, मिलियन मीट्रिक टन पहुंच जाए। एंड इससे ऑब्वियसली बात है क्या होगा, जब ग्रीन हाइड्रोजन हम इतना प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा फॉसिल फ्यूल का यूज़ थोड़ा कम होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारा क्यूमुलेटिव ये माना जाता है कि अगर हम इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो इट विल रिड्यूस अ क्यूमुलेटिव ₹1,00,000 करोड़ वर्थ ऑफ फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट बाय 2030। तो हम लगभग 1,00,000 करोड़ तक का फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो कम होगा ही होगा। CO2 ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा, तो साइंटिस्टों ने रिवील किया है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग डिटेक्टेड ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑब्वियस बात है, जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूज़ करके उन्होंने ये पता किया। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप भी नासा का ही है। जुपिटर का मून है यूरोपा, आप सबको पता होगा जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर के मून्स की अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 95 मून्स हैं जुपिटर में। इसमें आईओ, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये 4 जुपिटर के रिलेटिवली लार्जर हैं। टाइटन सैटर्न का अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो यूरोपा लगभग 90% ऑफ द साइज ऑफ अर्थ मून है। अर्थ के मून का 90% साइज का है यूरोपा। एंड यूरोपा सरफेस इज मेड अप ऑफ वाटर आइस एंड इट रिफ्लेक्ट्स नियरली 5.5 times द सनलाइट देन आर मून डस। उससे ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि यूरोपा में आइस बहुत है। एल्बिडो जानते हैं ना, रिफ्लेक्शन जो होता है मतलब, तो वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। एंड इसके अलावा एक यूरोपा क्लिपर भी है, मिशन बाय नासा टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर्स मून, यूरोपा क्लिपर। अगर आपसे कोई पूछे यूरोपा क्लिपर क्या है, इट इज़ अ मिशन बाय नासा टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर्स मून। एंड नासा इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट नेम्ड यूरोपा क्लिपर टू द जोवियन मून्स इन अक्टूबर 2024, है ना। तो याद रखिएगा, एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट भी लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर के नाम से नासा टू द जोवियन मून्स इन अक्टूबर 2024, है ना, 2024 में करेगा। एंड जुपिटर पे यूरोपा क्लिपर आएगा 2030 में, और यूरोपा मून्स को स्टडी करेगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि ये करेगा। अभी तक केवल 2 स्पेस क्राफ्ट हैं जिन्होंने जुपिटर को इन्वेस्टिगेट किया है, वो है Voyager 1 और Voyager 2। तो जैसा कि यहाँ पे देखो, नासा की मैंने वेबसाइट खोली है, नासा ने वोएजर मिशन लॉन्च किया था, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, Voyager 1 और Voyager 2। सबसे पहले बताता हूँ कि Voyager 1 जो स्टार्ट हुआ था 1977 से स्टार्ट हुआ था, और बहुत दूर है ये भी। अभी यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर हम आपको बताऊँ, अगर नासा के
हिसाब से तो ये नासा के अकॉर्डिंग ये अभी इंटरस्टेलर स्पेस में है। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब कि द रीजन बिटवीन द स्टार्स फिल्ड विद मटेरियल्स इजेक्टेड बाय द डेथ ऑफ नियर बाई स्टार्स। तो इंटरस्टेलर रीजन में अब ये वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 पहुंच चुके हैं। लेकिन द प्राइमरी मिशन जो था, ये देखो लिखा हुआ है, द प्राइमरी मिशन वॉज द एक्सप्लोरेशन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। तो वॉयेजर का जो प्राइमरी मिशन था वो जुपिटर और सैटर्न का था। तो वॉयेजर 1 से जो है पूरा वो जुपिटर के मून को स्टडी भी किया गया था। देखो यहाँ पर लिखा भी है जुपिटर मून आईओ, तो जुपिटर का जो आईओ मून है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था उसको स्टडी किया था वॉयेजर ने। उसके बाद जब वॉयेजर 2 लॉन्च किया गया तो उसको भेजा गया और आगे यूरेनस और नेपच्यून को भी, ठीक है ना। एंड इट इज स्टिल द ओनली स्पेस क्राफ्ट टू हैव विजिटेड दोज आउटर प्लैनेट। तो वॉयेजर 2 तो अभी तक यूरेनस और नेपच्यून में पहुँचने वाला एकमात्र कहना चाहिए स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है ना। और करेंटली वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आउटर मोस्ट एज में पहुंच चुका है हमारे मतलब सोलर सिस्टम के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो रिसेंटली वही फाइंड किया गया है कि ओशियन ऑफ सॉल्ट वाटर है, यूरोपा में आइस कवर्ड है ना। एंड वही बार बार तो ये बोलते हैं ना कि ये लाइफ होस्ट करेगा, वो एक होस्ट करेगा, तो ठीक है वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक CO2 पाई जाती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है इस मून में, यूरोपा मून में। यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे ये पाई जाती है कॉल्ड तारा रीजन, याद रखिएगा द तारा रीजन इज़ देयर। और यूरोपा मून में यही चीज़ें भी पता लगाई गई है कि यहाँ पे एक CO2 काफ़ी ज़्यादा एक एरिया में जिसको तारा रीजन बोलता है। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के बारे में। अभी 5th एडिशन है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का जो कि बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है ना। 5th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लंडन बेस्ड इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कौन कराता है? लंडन बेस्ड है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। 1963 में इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था एज अ बॉडी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू बूस्ट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉफ़ी ग्लोबली, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉफ़ी ग्लोबली इसको बढ़ाने के लिए 1963 में इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया था। लंदन बेस्ड बॉडी है और उसके अंतर्गत ये वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की जाती है। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस पहले भी हो चुकी है, 2001 में लंदन में हुई, ब्राज़ील में 2005 में हुई, ग्वातेमाला में 2010 में हुई, इथियोपिया में 2016 में हुई और इंडिया में हो रही है इस बार, ठीक है ना। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है इंडिया इसको होस्ट करेगा। एंड एम इसका यही टू सिग्निफाई द इंक्रीज ऑफ इंडियाज एक्सेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट। ऑर्गेनाइज इसको कौन करेगा? कॉफ़ी बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से पार्टिसिपेट करेगा और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगा ही। थीम रहेगा सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। थीम क्या है इस बार? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रोहन बोपन्ना को इसमें एम्बेसडर बनाया गया है। बेंगलुरु को क्यों चुना गया है? तो इट इज़ द कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया स्टेट, क्योंकि कर्नाटका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का और उसी की कैपिटल है बेंगलुरु, तो इस कारण से उसको चुना गया है। इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मेन डेस्टिनेशन इसका यूरोप है, इटली है, जर्मनी और रशिया। और अरेबिका और रोबस्टा आपने नाम सुना होगा, अरेबिका और रोबस्टा, दीज आर द कॉफ़ी वेराइटीज़ इन इंडिया, ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और यहाँ पे देखो लिखा भी है कॉफ़ी बोर्ड के बारे में, आपको दिखा दूँ। कॉफ़ी बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेक्शन 4 ऑफ द कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये कॉफ़ी मतलब एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका जो बोर्ड है इसमें लगभग 33 मेंबर्स हैं चेयरमैन को इंक्लूड करके, ठीक है ना। एंड ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एक टी बोर्ड भी है इंडिया का, उसके वो भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, याद रखना। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट इज़ द मेन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉफ़ी, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सबको एक साथ ले आती है। एम है टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर, ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना इसका एम है, उसके एक्सपेंशन को बढ़ाना इसका एम है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट्स हैं वो लगभग 98% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एंड इंडिया भी उसका एक हिस्सा है।
अगला टॉपिक है कोल वेटलैंड्स की बात करें तो कोल वेटलैंड्स कहाँ पर है, पहले तो केरला में है, अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे एलियन प्लांट्स स्पीशीज के कारण कोल वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में भी है, थ्रेट में भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोल वेटलैंड्स जो है ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स का हिस्सा है, याद रखिएगा रामसर साइट्स है, एंड द वेटलैंड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स हाई प्रोडक्टिविटी। कोल लिटरली ट्रांसलेट्स टू बम्पर क्रॉप इन मलयालम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, KOL इज एक्चुअली एक तरीके से मतलब प्लांट वेराइटी है, एंड बम्पर क्रॉप बोलते हैं इसको मलयालम में, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 40% ऑफ द राइस प्रोडक्शन इन द स्टेट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड सिस्टम, ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड सिस्टम है ये केरला का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है, ईच ईयर बिफोर द सीजन स्टार्ट्स ऑल फार्मिंग क्लस्टर्स, यहाँ फार्मिंग क्लस्टर्स इनको क्या बोलते हैं, पड़ा सेखरम्स, याद रखिएगा पड़ा सेखरम्स, दीज आर द फार्मिंग क्लस्टर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डी वाटरिंग की जाती है। डी वाटरिंग का मतलब क्या था मैं आपको बताऊँ, तो डी वाटरिंग के लिए काफ़ी फेमस भी है वाला रीजन। डी वाटरिंग प्रोसेस है जिसमें आप ग्राउंड वाटर को रिमूव करते हो एंड सुपरफिशियल वाटर को रिमूव करते हो किसी साइड से, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, एंड यहाँ पे कोल वेटलैंड्स में इसी कोलैबोरेशन को बोलते हैं कुटाइमा रीति, कुटाइमा रीति। तो अगर आपसे कोई पूछे कुटाइमा रीति के बारे में तो कोल वेटलैंड से वाला रीजन याद रखिएगा। लोकेशन इसकी आप लोग देख सकते हैं, ये आपका केरला का मैप है यहाँ पे, है ना, और वहीं पे आपका यहाँ पे कोल वेटलैंड्स भी है इस रीजन में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये कलर वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपका कोल वेटलैंड्स का ही पार्ट है केरला के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो थ्रिसूर दिख रहा होगा, पलक्कड़ दिख रहा होगा, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ केरला ओनली, एर्नाकुलम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, है ना, ऊपर आपको मलप्पुरम दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कौन सी स्पीशीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कबोम्बा फरकूटा, याद रखिएगा स्पीशीज़ का नाम क्या है, कबोम्बा फरकूटा जो इन्वेजिव इज एलियन स्पीशीज़ है। इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ एक्वेटिक प्लांट इन द वाटर एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज पिंक ब्लूम, इसको पिंक ब्लूम भी कहते हैं, एंड कबोम्बा बेसी फैमिली से बिलोंग करता है, हैबिटेट बिलोंग्स बेसिकली टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, है ना, और ये स्पीशीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे ये सबमर्ज्ड पेरिनियल एक्वेटिक प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं स्टैगनेंट या स्लो फ्लोइंग फ्रेश वाटर में, है ना। थ्रेट्स क्या है कि क्योंकि मैसिव फ्लावरिंग इसमें होती है पिंक ब्लूम में, तो ऑब्वियसली बात है कोल्ड फील्ड्स तक ये जो फैल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ और आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, हायासिंथ जैसा ही होता है ये, एंड इट्स अ विजुअल थ्रेट एंड अ पोटेंशियल आउट स्प्रेड इन वाटर बॉडीज। एक्टिव यहाँ पे स्टेम प्रोपोगेशन होता है, एक्टिवली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ना, और ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, तो ऑब्वियसली दैट विल चोक द वाटर बॉडी ऑफ ऑक्सीजन। कबोम्बा स्पीशीज जो है इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड देयरफॉर इट विल चोक द वाटर बॉडी एंड इट्स अ स्पीशीज फॉर ऑक्सीजन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये आपको दिख रहा है पिंक ब्लूम। अगला है विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज किया है, इट इज़ प्रपोज्ड दैट लेंडर्स शुड क्लासीफाई अ बोरोअर एज अ विलफुल डिफॉल्टर विद इन 6 months ऑफ देयर अकाउंट बीइंग डिक्लेयर्ड अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर किसी बोरोअर का अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है तो उसके 6 महीने के अंदर उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देना चाहिए। तो विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा एंटिटी होता है या व्यक्ति होता है दैट हैज़ नॉट पेड द लोन बैक डिस्पाइट द एबिलिटी टू रीपेड, है ना। अगर आपकी एबिलिटी है फिर भी आप नहीं रिपे कर रहे तो यू शुड बी डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर। एंड अ फ्रॉडस्टर इज अ वन हु इंटेंशनली चीट्स द बैंक विद फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, है ना। अब विलफुल डिफॉल्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें डिलिब्रेट नॉन रिपेमेंट ऑफ ड्यूज डिस्पाइट एडिक्वेट कैश फ्लो एंड गुड नेटवर्थ। अगर आपकी नेटवर्थ अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, फिर भी अगर आप नॉन पेमेंट करते हो तो डिलिब्रेटली, तो वो विलफुल डिफॉल्टर में आएगा। सेकेंड है टैपिंग ऑफ द फंड्स टू द डिट्रीमेंट ऑफ द डिफॉल्टिंग यूनिट। थर्ड है असेट्स एंड प्रोसीड्स हैव बीन मिसयूटिलाइज्ड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फैल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डिस्पोजल रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट बैंक्स नॉलेज, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस बाय द बोरोअर्स, ऑल दीज कम अंडर द एक तरीके से कहना चाहिए किसके अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें विलफुल डिफॉल्ट या विलफुल मिसबिहेव के अंदर आएगा, विलफुल फ्रॉडुलेंट के अंदर आएगा। कम से कम 25 लाख रुपए तक की अमाउंट होनी चाहिए फॉर अ विलफुल डिफॉल्टर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहता है कम से कम 25 लाख रुपए तक का अमाउंट रहे तो विलफुल डिफॉल्टर हम डिक्लेयर करेंगे।
विलफुल डिफॉल्टर में क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, दे आर बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कैपिटल मार्केट, दे आर बार्ड फ्रॉम अवेलिंग ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ फॉर 5 years, लेंडर्स आर फ्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी विद फुल फेरोसिटी, है ना, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट फॉलो एनी विलफुल डिफॉल्टर टू बिकम अ बोर्ड मेंबर, बार्ड फ्रॉम मेकिंग एन ओपन ऑफर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अभी रिसेंटली क्या चेंजेस क्या कह रही है आरबीआई करने के लिए, तो आरबीआई कहता है कि बेसिकली हम RBI now expands the scope of regulated entities which can classify borrowers as willful defaulters and broadens the definition of willful default. Willful default की पहले तो RBI ने बोला कि definition को थोड़ा broaden करें, है ना। Second है कौन कौन सी entities willful defaulter के अंदर आएंगी, उनको भी हम थोड़ा और broad करें उसके scope को, ठीक है ना। इसमें banks आते हैं, non-banking financial companies हैं, All India Financial Institutions हैं, National Bank for NABARD हैं, ये सब जो है regulating entities के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना, they can act as a regulating entity. टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो RBI ने कहा है कि लेंडर्स नीड टू कंप्लीट क्लासिफाइंग एंड डिक्लेयरिंग अ बोरोअर एज अ विलफुल डिफॉल्टर विद इन 6 months ऑफ द लोन बीइंग क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के 6 महीने के अंदर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है विलफुल डिफॉल्टर को रिकग्नाइज करने की। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि 90 दिनों तक अगर उसका ब्याज या जो मुद्दल अमाउंट है यानी कि इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अगर आपको 90 दिनों तक नहीं मिलता है तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। फोर्थ जेंडर संवाद, अभी इसको को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है एंड इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी IWWAGE, व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी। तो याद रखिएगा फोर्थ जेंडर संवाद ऑर्गेनाइज किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है एंड इसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी। अब ये जेंडर संवाद होता क्या है, जेंडर संवाद का बेसिकली एम है टू एस्टैब्लिश अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म टू जनरेट अवेयरनेस ऑन जेंडर इंटरवेंशंस बाय इन द कंट्री, जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या हमने किया है वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे स्टेट्स में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या किया गया, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके काफ़ी एक अवेयरनेस एस्टैब्लिश करना प्लस आगे अगर कुछ निकल के आता है तो आगे और उसके लिए काम किया जा सके। DAY NRLM क्या है, आप सबको पता है 2011 में इसको लॉन्च किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को, और इसको लॉन्च किया गया था 2011 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका एम है मोबिलाइजिंग 9 to 10 crore रूरल पुअर हाउस होल्ड्स इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन फेज्ड मैनर एंड प्रोवाइड दम विद लॉन्ग टर्म सपोर्ट, है ना। याद रखिएगा इसमें 9 to 10 crore जो रूरल पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से कन्वर्ट करना इनका एम है, और नेशनल लाइवलीहुड कमीशन ऑब्वियसली बात है तो उनकी लाइफ के स्टैंडर्ड को उनके लाइवलीहुड को ऑप्शंस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल आया था अभी न्यूज़ में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस हैं वो सुटेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हाउस पैनल एक बनाया गया था पार्लियामेंट्री हाउस पैनल जिसने ये कहा है कि ये सुटेबल नहीं है, इट मे नॉट बी सुटेबल। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी एजुकेशन के ऊपर बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, जिसने ये कहा है कि अगर हम 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन है वो इंडिया की जैसी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इंडिया, ठीक है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसने प्रपोज किया है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट मतलब कि अगर एक स्टूडेंट चाहे तो कहीं भी कोर्स में ड्रॉप कर सकता है, जैसे मान लो आपने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है ना बीटेक करने गए, अगर आपने बीटेक 1 साल तक किया लेकिन अभी आपको बीच में कुछ और करने का मन है तो आप चले गए उसको छोड़ के, अब आप दोबारा 4 साल बाद आते हो तो आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो, तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है ना। और मान लो कोई स्टूडेंट अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है किसी फाइनेंशियल सोशल या किसी दूसरे रीज़न से तो वो उसको छोड़ सकता है एग्जिट कर सकता है और फिर बाद में एंट्री कर सकता है इन फेवरेबल टाइम्स में, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना था कि भाई इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्सपोजर है तो वहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी टफ होगा,
इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अकॉर्डिंग, तो एक जैसे उन्होंने पहले कहा प्रेडिक्टिंग द स्टूडेंट फ्लो, तो उनका कहना है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट लुक्स लाइक अ फ्लेक्सिबल सिस्टम विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना, बट इट माइट नॉट वर्क वेल इन दिस कंट्री. क्यों? बिकॉज इंडिया विद इट्स हाई पॉपुलेशन इट इज़ चैलेंजिंग फॉर द इंस्टीट्यूशंस टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स मे एग्जिट और मे ज्वाइन मिड वे. देखो अब ऑब्वियस ही बात है, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं इंडिया में कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कितने स्टूडेंट्स उसके इस बार एग्जिट कर जाएंगे और कितने स्टूडेंट्स मिड में आ जाएंगे. ठीक है ना, हो सकता है भैया 50 की सीट है अगर मान लो हमारे पास सेक्शन ए में और सेक्शन बी में 50 की सीट है किसी क्लास की, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मान लो 20 स्टूडेंट निकल गए इस साल के, है ना, मान लो 100 सीटें हैं सपोज करो. अब मेरे इलेक्ट्रिकल ट्रेड का था तो मैं आपको एक एक ऑप्शन देता हूँ. इलेक्ट्रिकल में मान लो एक कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स हैं, ठीक है. अब इस साल क्या हुआ कि 100 लोग एंट्री किए लेकिन उसमें से 30 लोग निकल गए, ठीक है. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर 100 लोग आए बट ये जो 30 छोड़े थे ये भी आ गए, तो अब 130 लोग आ गए, है ना. तो अब 130 लोग जब आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जब सेशन ही 100 का है तो 130 को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे, है ना. मिडवे तो ज्वाइन कर लिया 30 लोगों ने लेकिन अब 130 लोगों को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे, क्लासेस कैसे देंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ जाएगी, टीचर्स की कमी पड़ जाएगी. तो ये अनसर्टेनिटी के कारण जो पीपल टीचर रेशियो है वो इफेक्ट होगा. इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूशन का काफ़ी अनइवन है, मतलब कि कुछ रूरल एरियाज में तो हायर एजुकेशन है नहीं ज़्यादा, है ना, ऑब्वियस सी बात है. तो इसलिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इंडिया में काम भी नहीं कर पाएगी क्योंकि जो गांव से आता है शहर में वो पढ़ने आएगा, एक बार में कंप्लीट करेगा, बार बार थोड़ी कर पाएगा ये चीज़ वो. अब इनका ये कहना है, रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिया कि भैया अगर आपको इम्प्लीमेंट करना भी है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट तो पहले आप एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाओ, वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क बनाओ, स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाओ, क्रेडिट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म बनाओ, क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करो, उसके बाद हायर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंसल्ट करो, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करो, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करो, चैलेंजेस निकालो, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना. वहीं पे केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नॉट टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट. उन्होंने कहा कि हम भैया हम अपने यहाँ नहीं करेंगे, है ना, और उन्होंने कहा कि करिकुलम जो है वो अलाउ नहीं करेगा मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, बट एग्जिट वुड बी अलाउड आइदर आफ्टर 3 ईयर्स विद अ डिग्री और आफ्टर 4 ईयर्स विद अ ऑनर्स डिग्री. तो उन्होंने एक कहने भाई 3 साल तक मिनिमम आपको रहना ही रहना, 3 साल के बाद आप एग्जिट करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल पर करोगे तो ऑनर्स डिग्री मिलेगी. इंडिया एंड यूएन लॉन्च ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. अब इंडिया और यूएन लॉन्च कर रहा है, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने हाथ ज्वाइन किए हैं फॉर यूएन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. अब ये क्या है इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, तो ये बेसिकली ऑब्वियस होता है कंट्रीज़ की कैपेसिटी को बिल्ड करना है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको बतानी है और उनके एक्सपर्टाइज को बढ़ाना है. ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया यूएन की टीम्स के द्वारा, है ना, और इसमें कोलैबोरेशन होगा यूएन का, इंडिया का, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, और ये इंडिया के टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का यूज़ करेंगे, इनके प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे ताकि बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर की जा सकें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के साथ, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ग्लोबल साउथ को ऑलरेडी इंडिया काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभर रहा है इंडिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, ठीक है. और सस्टेनेबिलिटी की तरफ, कोऑपरेशन की तरफ, साउथ साउथ कोऑपरेशन की तरफ और इंडिया का जो कमिटमेंट है फॉर स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप विद द ग्लोबल साउथ उसकी तरफ है ये. ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज़ जो सदर्न हेमिस्फीयर में आती है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन, करीबियन कंट्रीज़ हो गई, है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया वाला पार्ट हो गया, ये सारी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का हिस्सा है. अगला है आरोग्य मंथन 2023. आरोग्य मंथन 2023 जो है इट विल मार्क द 5 ईयर्स ऑफ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड 2 ईयर्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. तो यहाँ पे याद रखिएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है. इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग आरोग्य मंथन नाउ टू सेलिब्रेट 5 ईयर्स ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. 5 साल होंगे आरोग्य मंथन को, आरोग्य मंथन सेलिब्रेट कर रहा है 5 साल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एंड 2 साल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? तो याद रखिएगा, इट वॉज लॉन्च इन 2018, 2018 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इसमें 5 लाख तक का पर फैमिली दिया जाता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन। कम्प्लीटली कैशलेस है, पेपरलेस स्कीम है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कैप कोई नहीं है फैमिली साइज में और एज में, जेंडर में। बेनिफिशियरी फैमिलीज जो हैं दे आर अंडर, जो उनको कहाँ से सेलेक्ट किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो हुआ था उसके बेसिस पे किया गया है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? 2021 में लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, एंड इट एम्स एट क्रिएटिंग अ सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन ओपन इंटरऑपरेबल डिजिटल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। ये क्या एम करता है? क्रिएटिंग अ सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज़ बेस्ड अपॉन ओपन इंटरऑपरेबल डिजिटल स्टैंडर्ड्स। ये क्या करेगा? एक्सेस एक्सचेंज ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द सिटीजन्स, ये सब इजी कर देगा। हेल्थ आईडीज इशू की जाएंगी, जहाँ पे हेल्थ आईडी का यूज़ करके आप किसी भी व्यक्ति का पुराना नया रिकॉर्ड देख सकते हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाएगा हेल्थ केयर के लिए। ये न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, माली और नाइजर और बुर्किना फासो ने ज्वाइन किया है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, है ना। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको लिपताको गुरमा चार्टर बोलते हैं, लिपताको गुरमा चार्टर, है ना। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ये साहेल रीजन में आते हैं। साहेल रीजन मतलब कि सहारा के जो नीचे की कंट्रीज़ हैं। तो आपको पता होगा ये मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, नाइजर, चैड, है ना, बुर्किना फासो, सूडान, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द योर साहेल रीजन। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये बुर्किना फासो इज दिस इज माली, दिस इज नाइजर। ये तीनों जो मिलते हैं जिस रीजन में उसको बोलते हैं लिपताको गुरमा रीजन। उसी वही चार्टर है, लिपताको गुरमा चार्टर साइन किया गया इनके लीडर्स के द्वारा, और इसी चार्टर के अंतर्गत एक अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बनाया गया है, अलायंस ऑफ द साहेल स्टेट्स। तो एक कॉम्बिनेशन है मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एफर्ट्स का, जहाँ पे तीनों कंट्रीज मिलकर के एफर्ट लगाएंगी और किसको रोकेंगी, ऑब्वियस बात है टेररिज्म अटैक, इन सब चीज़ों को रोकेगी, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली 61 साल का एक फ्रेंच टूरिस्ट था जो कि फतेहपुर सीकरी के अंदर, उसकी डेथ हो गई, एंड शी फेल फ्रॉम द 9 feet हाई प्लेटफॉर्म फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द वुडन रेलिंग्स टूट गई और वो गिर गई, ठीक है। फतेहपुर सीकरी बेसिकली अकबर द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ प्रिडोमिनेंटली रेड सैंडस्टोन, 37 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा। फाउंडर ऑब्वियस आता है अकबर ने, 1569 में इसको किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1986 में उसको बनाया गया। एंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे हैव कम्बाइंड एलिमेंट्स ऑफ पर्शियन, इंडियन, सेंट्रल एशियन स्टाइल्स। मुगल एम्पायर की कैपिटल भी थी 1571 से 1585 तक, है ना, याद रखिएगा। एंड इसको बनाया था अकबर ने कैपिटल जब गुजरात कैंपेन में वो विक्टोरियस जीत के वापस आया, इसलिए फतेहपुर सीकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री के रूप में इसको कम्यूमरेट किया गया था। फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें जामा मस्जिद है, होम टू द जामा मस्जिद, एंड बुलंद दरवाज़ा, कलोसल गेटवे जिसको गेटवे ऑफ मैग्निफिशेंस भी कहा जाता है ना, और दीवान ख़ास, दीवान आम। दीवान ख़ास मतलब जिस जहाँ पे प्राइवेट ऑडियंस रहती थी अकबर की, और दीवान आम जहाँ पे पब्लिक ऑडियंस रहती थी, ठीक है। इसके अलावा पंच महल है ना, याद रखिएगा, 5-storied पैलेस इज ऑल्सो देयर, है ना, वो भी यहाँ पे है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी न्यूज़ में था। इंडेंजर्ड इंडियन स्किमर वॉज रिसेंटली स्पॉटेड नियर द जालिम नगर ब्रिज अलॉन्ग द घाघरा रिवर एट दुधवा टाइगर रिजर्व। तो अभी रिसेंटली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इंडियन स्किमर, जो कि देखने को मिली। इंडियन स्किमर क्या है? अनयूजुअल लुकिंग बर्ड है विद स्ट्राइकिंग रेड ऑरेंज बीक, वेयर द लोअर बिल इज लॉन्गर दैन द अपर बिल। मैं आपको दिखा देता, दिख रहा है ये, देखो नीचे की बीक देखो बड़ी है ना, नीचे वाली बीक देखो बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। तो ये है इंडियन स्किमर बर्ड, तो आपको दिख रही होगी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, तो अनयूजुअल लुकिंग बर्ड होती है, स्ट्राइकिंग रेड ऑरेंज बीक होती है, लोअर बिल इज लॉन्गर, अपर बिल छोटी होती है। ग्लोबली फाउंड इन द कोस्टल एस्टुरीज ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश। फूड इसका फिश, लार्वे, इंसेक्ट, श्रिम्स। हैबिटेट अगर देखें तो फेवर स्लो मूविंग रिवर्स, है ना, तो सैंड बार हैबिटेट्स इनको प्रेफर करती है, मार्शेस, एस्टुरीज, कोस्ट को।
ब्रीडिंग का टाइम होता है फरवरी से जून के बीच में, एंड 1-3 चिक्स पर क्लच ये करते हैं। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो लोकेशन इसका लखीमपुर खेरी बहराइच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, रिवर्स इसमें शारदा रिवर फ्लो करती है ना, गिरुवा रिवर फ्लो करती है और इसमें सुहेली एंड मोहाना स्ट्रीम्स भी फ्लो करती हैं दुधवा में, ठीक है ना। दुधवा में मेन दो ही हैं, सुहेली एंड मोहाना स्ट्रीम्स, और इसका पार्ट है आपका एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ से शारदा नदी निकलती है, और गिरुवा नदी जो है वो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलती है, ठीक है ना। इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था दुधवा को 1987 में। डेसीडुअस टाइप का इसमें वेजिटेशन है, साल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, तो अभी हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है, 23 सितंबर को किया गया, याद रखेगा। UN जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था 23 सितंबर को एज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और ये क्या कम्यूमरेट करता है, तो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ वॉज इस्टेब्लिश इन 1951, इंटरनेशनल फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, उसको कम्यूमरेट करता है, ठीक है ना। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ जो है एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेफ एसोसिएशन की, लगभग 133 कंट्रीज़ के साथ 1951 23 सितंबर को इस्टेब्लिश किया गया था। हेलसिंकी फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स ऑफ द डेफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, एंड ये सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी 2023 की, अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ठीक है ना। अगला देखो एडिटोरियल में है, क्लाइमेट फिनेंस मस्ट गेट बियॉन्ड ग्रीन विशिंग एंड ग्रीन वॉशिंग। एक्चुअली यहाँ पे द थ्री ग्रीन्स हैं उसके बारे में ये एडिटोरियल था, लाइव मिंट का ये आर्टिकल है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट वीक COP28 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। COP28 जो कहाँ पे हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, COP28 कहाँ हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन विशिंग ग्रीन वॉशिंग दो टर्म है ना, तो यहाँ पे तीन ग्रीन्स मैं आपको बताऊंगा, द ग्रीन विशिंग, द ग्रीन वॉशिंग एंड ग्रीन हशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है ये आपको पता ना, डिसेप्टिव प्रैक्टिस जहाँ पे आप झूठे तरीके से ये बताते हो, ये क्लेम करते हो कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जबकि आप नहीं हो, है ना। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है, स्टारबक्स इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रॉलेस लिड, उसमें बोला स्ट्रॉलेस लिड है और ये एनवायरमेंट फुटप्रिंट को कम करेगी, लेकिन ये ज़्यादा और ज़्यादा प्लास्टिक से बनी थी ये लिड, तो इसमें और ज़्यादा उसमें हो रहा था। ग्रीन विशिंग क्या होता है, तो इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर टू बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल विदाउट टेकिंग कॉन्क्रीट एक्शन। जब आप केवल विश करते हो कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बनते काश ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन आप कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले रहे, तो वो ग्रीन विशिंग है, ठीक है ना। तीसरा ग्रीन हशिंग, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली डाउन प्लेस देयर पॉजिटिव एनवायरमेंट अचीवमेंट्स, मतलब एक कंपनी जो है अगर अच्छा काम भी कर रही है ग्रीन उसमें, लेकिन वो डाउन प्ले करती है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं पब्लिसाइज करती, तो ग्रीन हशिंग कहलाता है, ठीक है ना। और क्लाइमेट फाइनेंस तो आपको पता ही है कि वो करने की ज़रूरत है, डेवलप्ड नेशंस से वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस, तभी जा करके जो क्लाइमेट चेंज है हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास कैपेसिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो काम कहाँ से करेंगे, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, लेकिन जो टारगेट सेट किए गए थे क्लाइमेट फाइनेंस में ग्रीन फाइनेंस में वो अभी तक पूरे हुए नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पैसा दिया नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स आ नहीं रहे हैं, है ना, और पूरा पब्लिक गवर्नमेंट कितना पैसा दे पाएगी किसी कंट्री की। तो ऑब्वियसली बात है दीज आर द चैलेंजेस जो कि जो COP28 में डिस्कस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दैट इज़ इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।